नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सूरम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। रमेश शेलक की रिपोर्ट। बालोद जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम पेडरवाली में 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी की जयंती मनाई जाती है। समाज ही नहीं बल्कि पूरा छत्तीसगढ़ इस दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाता है। देखते रहिए यूवीएन 08। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। ये समाचार बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर ब्लॉक की ग्राम पंचायत पेंडरवानी का है। छत्तीसगढ़ के संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मनाई जाती है। गुरु घासीदास जी सतनामी समाज के कुल में जन्म लिया, उसी के जन्म दिवस को 18 से 31 दिसंबर तक मनाया जाता है। सतनामी समाज ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग संत शिरोमणि दास जी की जयंती को, गुरु घासीदास जी के जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उसी के जन्म दिवस पर ग्राम पंचायत पेंडरवानी में जिस प्रकार बाबा जी ने मन के एक सामान का नारा दिया और छुआछूत के भाव को हटाया, उसी को मद्देनजर रखते हुए ग्राम पंचायत पेंडरवानी के सतनामी समाज के लोगों ने सर्व समाज युक्त लोक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस पर सतनामी समाज के अध्यक्ष जागेश्वर चेलक ने बताया कि जिस प्रकार बाबा ने मनखे एक समान का नारा दिया, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे सतनामी समाज द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस पर रामायण राम धुनी जत गीत पंथी छत्तीसगढ़ी लोका कला मंच पहुना ये सभी कार्यक्रम हमारे गांव द्वारा सभी समाज द्वारा चंदा इकट्ठा कर यह कार्यक्रम को सफल बनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्रीमती सोना देवी देश लहरे, जिला पंचायत अध्यक्ष अध्यक्षता सत्यवान साहू, सरपंच ग्राम पंचायत पेंडरवानी प्रभात ध्रुवे, अध्यक्ष जनपद पंचायत गुरु तोषण लाल साहू, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत गुरु राष्ट्रीय यादेश्वर, जनपद सदस्य गुरु श्रीमती संध्या अजेंद्र साहू, जनपद सदस्य गुरु श्रीमती डीकेश्वरी केशव बंधु, जनपद सदस्य गुरु साहू उप सरपंच ग्राम पंचायत पेंडरवानी ओंकार साहू, पूर्व उप सरपंच पेंडरवानी टिंकेश्वर देवांगन, अधिवक्ता लखन देवांगन, बुनकर समिति अध्यक्ष निर्माता एवं निर्देशक, इन सभी कर कमलों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए एक कार्यक्रम को सफल बनाया गया। साथ में सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। उपस्थित बड़े बुजुर्गों देवी स्वरूप माताओं पर सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। निश्चित तौर पर हमारे मंच पर समस्त अतिथिगण बैठे हुए हैं, आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण एवं यहाँ पर जितने भी ग्रामीण जन आए हैं, आप सभी लोगों को मैं सादर नमन करता प्रणाम करता हूँ। हम लोग यहाँ पर आए थे, गुरु घासीदास जयंती का कार्यक्रम है, एक छोटा कार्यक्रम होगा ऐसा सोचे थे, लेकिन यहाँ पर आने पर पता चला कि एक बहुत बृहद कार्यक्रम है। कोरोना कार्यक्रम के पश्चात हम लोग छोटा मोटा कार्यक्रम आयोजित होते हैं और शरीक होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बाबा गुरु घासीदास जयंती का अवसर पर यहाँ पर बहुत सारा कार्यक्रम हुआ, रामायण का कार्यक्रम हुआ, जस गीत का कार्यक्रम है। और अग्रिम 2021 के हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए समस्त प्रवासी को गाढ़ा गाढ़ा बधाई देते हुए, मैं सरपंच होने के नाते सतनामी समाज को इस कार्यक्रम के लिए 5,000 किया था।
पैगाम भी ले जाते और शांति पूर्वक जिंदगी जी के लोगों में रास्ता बताते। ऐसे गुरु घासीदास जी बाबा जी का मैं बारम्बार प्रणाम करता हूँ और आप मन भी गुरु घासीदास जयंती के मार्ग में चले पर ये जो उद्देश्य है ना माने पर आप मन अपन जीवन में अमल करे ऐसे मोर आशा है और हम भी ओकर मार्ग में चलन। ऐसे यहाँ जितने भी लोग हैं पदाधिकारी गण बैठे हैं सब हंसा कैसे जानी हमारे लोके हो हंसा कैसे जानी हमारे लोके हो पावी मा खड़ो गले मा कंठी माला आखी मुन के बैठे हावे गुरु मत वाला गुरु मत वाला है जी बाबा मत वाला है गुरु मत वाला है जी बाबा मत वाला है बिना गुरु ज्ञान के अभी था है जीना। विभिन्न प्रकार के जाति में छुआछूत और जाति भेदभाव ही से ओ समय में जनमानस तक समानता के अधिकार लाए बर बहुत अच्छा प्रयास करी से और ओकर सफर हा सब यही मंच में दिखा था कि कितना अच्छा घासीदास बाबा के जो कार्य भी है वही आज के समाज में जाति पाति धर्म के कोई भेदभाव नहीं है सबको जाति मन बराबर जग है और वैसे नहीं है कि ये जाति है बहुत छोटी जाति है जाति बराबर की जाति है सब जाति